Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पिछले लेक्चर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रमिक इतिहास लेखन के संदर्भ में माइग्रेशन के इतिहास की चर्चा करेंगे और जैसा कि जानते हैं यह जो श्रृंखला है लेक्चर्स की यह आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के ऊपर केंद्रित है तो यहाँ हम घटनाओं की बात उनकी तहकीकात कम करेंगे जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहीं करेंगे लेकिन हमारा मुख्य ध्यान इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों को रेखांकित करना होगा तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो श्रमिक इतिहास है वह कमोबेस माइग्रेशन के इतिहास के साथ ओवरलैप होता है क्योंकि जो मुख्य किरदार हैं इस इतिहास के वे माइग्रेंट श्रमिक ही हैं हालांकि यदि माइग्रेशन के विमर्श की बात करें तो वहाँ हम इससे इतर भी अनेक परिघटनाओं की चर्चा करते हैं भारत के संदर्भ में भी यदि देखें तो इसका दूसरा सिरा तो उन शरणार्थियों की तरफ भी हमें ले जाता है जो राजनीतिक कारणों से अपने ही देश में या इसी महाद्वीप में शरणार्थी बन गए मैं यहाँ विभाजन के इतिहास और उससे जो उपजी त्रासदी थी जिसमें कई मिलियन लोग परिवार अपरूटेड हो गए डिस्प्लेस्ड हो गए तो वह भी माइग्रेशन के इतिहास का ही हिस्सा है लेकिन यहां हम इस लेक्चर में अपना ध्यान मुख्य रूप से श्रमिक इतिहास और माइग्रेशन के बिंदु पर ही सीमित रखेंगे यहाँ ये यह जो मैंने शुरू में कहा कि माइग्रेशन का इतिहास श्रमिक इतिहास से परे भी जाता है वह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माइग्रेशन मानव सभ्यता के मूल में रहा है जो पुरातत्वविद या मानव सभ्यता के इतिहास की खोज करते हैं वे हमें बताते हैं कि किस तरह से अफ्रीकी महाद्वीप से मानव समुदाय का प्रसार समय के साथ अन्य महाद्वीपों में होता गया और अब तो उस दिशा में जेनेटिक्स के हाल के हुए शोधों से भी बहुत हमें सहूलियत मिलती है बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे लेकिन यदि माइग्रेशन लोगों का एक जगह से दूसरे जगह उनका स्थानांतरण लोगों का समुदायों का हमेशा से होता रहा है तो हम क्यों इस स्थानांतरण को माइग्रेशन को हमेशा आधुनिक आधुनिक युग के ही परिपेक्ष में औद्योगिकरण के ही परिपेक्ष में देखें और इसको हम क्यों एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट की तरह देखें इस पर भी अब इतिहासकारों और विद्वानों में काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है और एक समूह का मानना है कि दरअसल माइग्रेशन का जो अध्ययन हुआ है वह लंबे समय तक एक सीडेंट्रिक पर्सपेक्टिव से अर्थात उसमें मान लिया गया कि आदमी यदि एक जगह है पीढ़ियाँ दर पीढ़ी तो वही एक नॉर्म है और जब आदमी स्थानांत या समाज एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है तो उसे व्याख्यायित करके अलग से उसे एक परिघटना के रूप में या तो पुल फैक्टर या पुश फैक्टर की तरह या तो मजबूरी से या चॉइस बेस्ड माइग्रेशन माना जाए और फिर उसके कारण परिणामों की पड़ताल की जाए तो उस जो एक खास सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से उपजी हुई परिघटना न मानकर माइग्रेशन को इतिहास के कि एक सतत प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पिछले डेढ़ सौ सालों में जिस तरह से माइग्रेशन का विमर्श समाज विज्ञान में आकार ले रहा है जहाँ अनेक सिद्धांत गढ़े गए हैं जैसे कि रेवेंस्टीन के सिद्धांत हैं जो उन्होंने अठारह में दिए जो कि काफ़ी प्रभावशाली रहा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वहां भी या भारतीय संदर्भों में भी बात करें तो माइग्रेशन को कमोबेश आर्थिक परिघटना के रूप में ही हमेशा व्याख्यायित किया जाता रहा है और माइग्रेशन का इतिहास बाय डिफॉल्ट आर्थिक इतिहास का एक अंग बनकर रह गया हालांकि जैसा हमने श्रमिक इतिहास के संदर्भ में पिछले लेक्चर में देखा था पिछले 40-50 सालों में इस नज़रिए में ख़ासा बदलाव आया और जिसकी बात हम आज इस संवाद में करेंगे उन मुद्दों को हम छूने का प्रयास करेंगे तो एक बात तो यह है कि माइग्रेशन का इतिहास महज आर्थिक इतिहास नहीं है तो माइग्रेशन का इतिहास महज यदि आर्थिक इतिहास का अंग नहीं है और जैसा कि मैंने कहा इसके राजनीतिक पहलू हैं और इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी जाहिर सी बात है होंगे और यदि आप पिछले लेक्चर को याद करें जहां हमने दीपेश चक्रवर्ती या फिर राजनारायण चंद्रावरकर की बात की थी जिन्होंने श्रमिकों के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की अहमियत से हमें परिचित कराया और वह किस प्रकार श्रमिक वर्ग के चे, की चेतना उनके संगठन और उनके शहरी जीवन को प्रभावित करता है तो माइग्रेशन में भी हम इन मुद्दों को माइग्रेशन के इतिहास लेखन में भी इन मुद्दों को उत्तरोत्तर तरजीह मिलता हुआ देखते हैं तो एक बात तो यह हुई कि जो हाल के रिविजनिस्ट राइटिंग्स हैं हिस्टोरियोग्राफी है, है माइग्रेशन को लेकर वैश्विक स्तर पर जहाँ माइग्रेशन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में सामाजिक इतिहास की एक श्रृंखला के रूप में एक आधारभूत जो परिघटना आप कह सकते हैं उसके रूप में देखते हैं लेकिन वहाँ भी इतिहासकारों ने इस बात रेखांकित किया है कि यद्यपि यह मानव समाज में के इतिहास में एक सतत परिघटना रही है लेकिन आधुनिकीकरण के इतिहास के साथ इसका एक खास तौर पर एक जुड़ाव हम देखते हैं जहाँ एक तरफ तो राष्ट्र राज्य के उदय के कारण और दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण पहली बार माइग्रेंट एज ए फिगर एज ए डिस्टिंक्ट फिगर अपनी विशिष्टता के साथ और माइग्रेशन एक विशिष्ट परिघटना के रूप में इतिहासकारों और समाज विज्ञानियों के समक्ष आता है पहली बार आप कह सकते हैं कि राज्य राष्ट्र राज्य की नीतियों में माइग्रेशन परिलक्षित होना शुरू हो जाता है तो इस बात को हमें अपने जहन में रखना होगा जब भी हम रिविजनिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी है उसकी तरफ भी मुड़कर देखें दूसरी बात जो रेखांकित करने की ज़रूरत है वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय स्तर पर भी वह यह कि इतिहासकारों का एक समूह जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं उसे मोबिलिटी या सर्कुलेशन के गणित के तौर पर सर्कुले, सर्कुलेशन के डायनामिक्स के रूप में उसका अध्ययन करता है अर्थात यहाँ इस परिघटना को ओरिजिन और डिस्टिनेशन अर्थात किसी माइग्रेंट के गांव और उसके शहर पहुँचने उसके औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक के रूप में तब्दील हो जाने के दो पार्टों के बीच बांट कर नहीं देखता है इस सर्कुलेशन के फ्रेम में बल्कि यहां कई बिंदु हमारे सामने खुल जाते हैं और इसमें इस सर्कुलेशन के फ्रेम में इतिहासकारों ने महज व्यक्तियों के माइग्रेशन की बात नहीं की व्यक्तियों के स्थानांतरण की बात नहीं कि यहाँ विचारों का सर्कुलेशन भी हो रहा है यहाँ वस्तुओं कोमोडिटीज का भी सर्कुलेशन हो रहा है तो यह एक अलग संश्लिष्ट सा फ्रेम हमारे सामने खुलता चला जाता है भारतीय संदर्भ में यदि देखें तो खासकर क्लाउड मर्कोबिट्स या संजय सुब्रमण्यम आदि इतिहासकार रहे हैं जो इस फ्रेम के साथ इस नज़रिए से इतिहास सामाजिक इतिहास बौद्धिक इतिहास के प्रति हमारी समझ में इजाफा करते रहे हैं तो कुल मिलाकर इस भूमिका का एक उद्देश्य यह है आपको यह बताना कि आर्थिक इतिहास से परे जाने की बात इस चौकठे से परे जाने की जरूरत है अच्छा यहां एक और बात मैं संक्षेप में ही उसका जिक्र करना चाहूंगा कि जब हम इस आर्थिक इतिहास से परे जाने की बात करते हैं तो हमें उन संदर्भों को का भी ध्यान हो जाता है जिसमें औपनिवेशिक काल से पहले भी प्री कोलोनियल पीरियड्स में भी समुदायों के लिए अपने स्थानीय शोषण या उत्पीड़न के संरचनाओं से निजात पाने का एक उससे स्केप का उसको प्रतिरोध करने का एक जरिया हुआ करता था सामूहिक पलायन अर्थात यदि स्थानीय सामंत जमींदार जब उनका शोषण बढ़ जाता था तो हमें संदर्भ मिलता है कि गांव का गांव समूह में पलायन कर जाता था उस इलाके से तो माइग्रेशन एक प्रतिरोध का भी जरिया हुआ करता था इन सबके साथ जाहिर सी बात है कि जब अकाल या इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा आया करती थी तो उस समय भी पलायन एक जगह से दूसरे जगह हुआ करता था और भारतीय इतिहास में भी इसके कई संदर्भ हैं दरअसल भारतीय इतिहास में जो पहला लिखित साक्ष्य है वह बुनकरों के एक ऐसे ही समुदाय का गुजरात से मालवा की तरफ पलायन हमें पाँचवीं सदी से मिलता है तो इस व्यापक फलक में हम माइग्रेशन के इतिहास को देखने की उस इतिहास लेखन की तरफ मुड़कर दृष्टिपात करने की कोशिश कर रहे हैं आज यहां लगे हाथ एक और बात का जिक्र कर देना चाहूंगा कि माइग्रेशन खासकर औपनिवेशिक काल के बाद यह पहचान की राजनीति के साथ अहम तौर पर जुड़ गया और इतना ही नहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ साथ यह इतिहास को देखने का भी जो नजरिया पिछले 200 साल में विकसित हुआ उसको कहीं ना कहीं गहरे तौर पर प्रभावित कर रहा है किया है जैसे पहली बार अंग्रेजों के आने के बाद जो इतिहास लिखा जाने लगा उसमें कौन भारत के निवासी रहे कौन बाहर से आए इस आधार पर प्राचीन और मध्यकाल का विभाजन किया जाने लगा तो और यह जो पहचान की राजनीति उस समय शुरू हुई वह आज भी जारी है क्योंकि आज भी आर्य अनार्य मूल निवासी और बाहर से आए हुए आर्य द्रविड़ यह जो मतभेद है यह आज भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में अहम इसका स्थान है तो और इस सब के बीच जाहिर सी बात है इस सब के केंद्र में धूरी में माइग्रेशन की परिघटना है लोगों का समुदायों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना वहाँ बस जाना वह परिघटना है तो इस व्यापक फलक के बाद जब हम श्रमिक वर्ग और माइग्रेशन की बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक बड़े कालखंड तक बहुत बड़े समय तक माइग्रे श्रमिक माइग्रेशन अर्थात एक ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ पलायन दूसरा इसका सीजनल अर्थात सामयिक स्वरूप का होना और तीसरा कि इस पूरे पूरी परिघटना को हमेशा से पुल और पुश फैक्टर के रूप में उस समीकरण के रूप में उस बाइनरी के नज़रिए से देखना ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे रहे और पिछले लेक्चर में जैसा मैंने कहा था कि जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन श्रमिक वर्ग को लेकर विकसित हुई थी भारत में खासकर 1960-70 के दशकों में तो वहाँ इस बात की चिंता थी कि यूरोपीय संदर्भों के तुलना में भारत में क्यों एक सर्वहारा वर्ग एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग का विकास और श्रमिक चेतना का विकास नहीं हो पाया और वहां जो तर्क दिए जा रहे थे उसमें एक तर्क यह था कि भारत में जो ग्रामीण आबादी हाशिए पर का किसान या लैंडलेस लेबर या एग्रेरियन फील्ड से कृषक क्षेत्र से जो सरप्लस लेबर जो शहर के तरफ रुख कर रहा है उसका संपर्क हमेशा अपनी ज़मीन से अपने गांव से अपने परिवार से हमेशा बना रहा वह ग्रामीण नाते रिश्तों से अपने को कभी भी जुदा नहीं कर पाया तोड़ नहीं पाया उन रिश्तों को और इस तरह से यूरोपीय श्रमिक वर्ग की तुलना में यहाँ हमेशा जो रूरल टाइज, ग्रामीण जो संपर्क है और ग्रामीण संपर्क का अर्थ दूसरे तरह से विश्लेषणात्मक तरीके से कहें तो जो प्री कैपिटलिस्ट जो उसके मूरिंग्स रहे उसके इंटेंगलमेंट्स रहे वह शहरी औद्योगिक इन्वायरमेंट में भी बने रहे और इस कारण से यह वर्ग कभी अपने को पूर्ण रूप से एक श्रमिक वर्ग के रूप में तब्दील नहीं कर पाया तो यहाँ भी देखें कि वह जो चौकठा था मार्क्सवादी क्लासिकल मार्क्सवादी परि नज़रिया जो था पर्सपेक्टिव या अप्रोच वह माइग्रेशन के इतिहास में भी हमें हमेशा देखने को मिलता है और इसकी इसके जो रेमिफिकेशंस हैं इसके जो परिणाम हैं उस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन साथ ही जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जॉन ब्रीमन या आनंद यांग आनंद यांग ने बिहार में सारन डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में अपनी स्थापनाएं रखी हैं इतिहास रखा है और जॉन ब्रीमन दक्षिण गुजरात के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के संदर्भ में वे बात करते हैं इन दोनों ने दिखाया है कि भारतीय संदर्भों में हमेशा माइग्रेशन का इतिहास एक ग्राम गांव और शहर के बीच विभक्त ही नहीं रहा यहां गांव से गांव, एक ग्रामीण इलाके से दूसरे ग्रामीण इलाकों में भी माइग्रेशन होता रहा और उसकी संश्लिष्टताओं की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है तो इस तरह से कहें तो 1970 और 80 के दशक तक आते आते माइग्रेशन का इतिहास एक तरह से कह सकते हैं तो इंटर या मल्टीडिसिप्लिनरी जो नजरिया था वह अख्तियार करने लगा था जॉन ब्रीमन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं बाद में हम देखते हैं बाद के दशकों में एंथ्रोपोलॉजी और माइग्रेशन का इतिहास दोनों किस तरह से बहुत घनिष्ठ रूपों में संवाद कर रहा है तो इस फलक इस बैकग्राउंड में हम दीपेश चक्रवर्ती और राजनारायण चंद्रावरकर के कामों जिसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं उसकी तरफ संक्षेप में एक बार फिर से मुड़कर देखें तो पाते हैं कि दीपेश चक्रवर्ती जहां एक और श्रमिक वर्ग के इतिहास की पुनर्व्याख्या करने के लिए जूट मिल बंगाल के जूट मिल के संदर्भ में वे उनका काम है रिथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री वे दरअसल उस प्रक्रिया की तरफ हमें ले जाते हैं जिस प्रक्रिया से गुजरकर ग्रामीण जो हाशिए पर का किसान है या लैंडलेस जो किसान है वह शहर में आने के बाद भी अपने जो पीछे के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बानों को वह छोड़ता नहीं है बल्कि उसकी चेतना उन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक जो ताने बाने हैं जो जो इकाइयां हैं उनके मध्य से स्वरूपित होती है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मध्यस्थों की जिसे सरदार कहा गया है जॉबर्स कहा गया है अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में हम पाते हैं उसकी एक अहम भूमिका यहाँ इतिहासकारों ने हमारे सामने रखी और इस भूमिका की तरफ राजनारायण चंद्रावरकर ने भी बम्बई के संदर्भ में हमारा ध्यान दिलाया है तो ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष है श्रमिक वर्ग का कहें या माइग्रेंट कम्युनिटी का कहें उसकी अहम भूमिका हम 1980 सौ के दशक के बाद से जो इतिहास लेखन है उसके चिंताओं के केंद्र में हम पाते हैं लेकिन यहां एक और फर्क की तरफ इशारा करना जरूरी है कि जहां एक तरफ तो जैसा मैंने अभी कहा और मैं फिर दोहराऊंगा कि दीपेश चक्रवर्ती कहते हैं कि ये जो मध्यस्थ ये जो सरदार इनके जरिए इन पर जो श्रमिक वर्ग था वह इतना डिपेंडेंट था इन सरदारों का इतना वर्चस्व हुआ करता था इनकी अथॉरिटी इतनी थी कि और यह अथॉरिटी जाहिर सी बात है प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन आप इसे कह सकते हैं यह बहुत अनौपचारिक थॉरिटी हुआ करता था तो यह जो अथॉरिटी थी वह किसी बुर्जुआ लीगलिटी के फ्रेम या फैक्ट्री कोड श्रमिक फैक, संहिता आदि के बरक्स यह बहुत प्रभावशाली हुआ करता था और इन्हीं प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स ऑफ मोबलाइजेशन कह सकते हैं के जरिए हमें भारत के श्रमिक वर्ग या फिर कहें कि माइग्रेंट श्रमिक वर्ग की चेतना को समझना होगा तो यहाँ जो ये जो सांस्कृतिक पहलू है उसकी तरफ जो इशारा दीपेश चक्रवर्ती कर रहे हैं वह राजनारायण चंद्रावरकर के काम में देखें तो हम पाते हैं कि वह कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है अर्थात यह अपने आप में यह जो जो संस्कृति की बात हम कर रहे हैं वह कोई ठहरी हुई बात नहीं है यह भी बदलता रहा है और वे बताते हैं कि किस तरह से एक तरफ तो ये जो बम्बई में टेक्सटाइल मिल मज़दूर हैं माइग्रेंट मज़दूर हैं एक तरफ तो जहाँ रत्नागिरी के इलाके से ये आते हैं वहाँ से इनका नियमित संपर्क बना रहा उसका प्रभाव दिखता है दूसरी तरफ यहाँ उनके पड़ोस की संस्कृति और वहाँ यह श्रमिक वर्ग राष्ट्रीय राजनीति के साथ भी अपने सरोकार दिखा रहा है तो हमें गांव और शहर दोनों के मिश्रण से दोनों के ताने बाने अंत से एक बहुत भिन्न किस्म का एक मिश्रित आप कह सकते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य सामने हमारे उभरता है और इस मिश्रित मंजर को जहाँ की संस्कृति कोई ठहरी हुई संकल्पना नहीं है उस नज़रिए से हमें माइग्रेशन के इतिहास के डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि बंगाल के ही जूट जूट मिल के संदर्भ में ही अर्जन दहान एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए उन्होंने भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनका कहना है कि जो प्री कैपिटलिस्टाइज़ हैं जिसकी बात दीपेश करते हैं या राजनारायण चंद्रावरकर करते हैं वह महत्वपूर्ण रहा लेकिन यहाँ क्षेत्रीय विविधता की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और एक अहम बात जो अर्जन दिहान हमारे सामने लाते हैं वह यह कहते हैं कि यह जो प्रवासी मजदूर वर्ग है वह अपने को किस तरह से देखता है उसके पर्सपेक्टिव क्या हैं, इस तरफ हमारा नजर होना चाहिए अर्थात यदि हम माइग्रेशन के इतिहास की व्याख्या करें तो हम माइग्रेंट के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं इस इतिहास को तो जाहिर सी बात है कि यहां वे कहते हैं कि जातिगत और क्षेत्रीगत विशेषताओं की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए और यदि एक ग्रामीण इलाके से माइग्रेशन हो रहा है तो जरूरी यह तो नहीं कि हर कोई माइग्रेट कर रहा है ऐसे में यह सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि कौन लोग और किन कारणों से माइग्रेट करने का निर्णय ले रहे हैं और कोई माइग्रेट नहीं करने का निर्णय ले रहा है तो जब मैं यह कह रहा हूं तो यहां अर्जिन, अर्जन अर्जन ध्यान हमारा ध्यान पुराने माइग्रेशन के डिस्कोर्स माइग्रेशन विमर्श के पुराने जो पुराना प्रश्न जिसमें वही जो पुल और पुश फैक्टर का दूसरा रूप आप कह सकते हैं जहां एक तरफ तो विद्वानों कुछ विद्वानों का मानना था कि माइग्रेट माइग्रेशन ओरिजिन से जब होता है तो वहां माइग्रेंट अपने स्वतंत्र रूप से वह निर्णय लेता है कि वह माइग्रेट करना चाहता है दूसरी तरफ विद्वानों का समूह है जो यह मानता आया है कि ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक जटिलताओं के कारण कठिनाइयों के कारण या फिर लैंड रिलेशंस के कारण कोई माइग्रेट करता है गांव से शहर की ओर और, और यह फोर्स्ड माइग्रेशन होता है न कि यह खुद से मुक्त रूप से लिया गया निर्णय होता है तो अर्जन दहान जब माइग्रेशन को माइग्रेंट पर्सपेक्टिव से देखने की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई क्यों माइग्रेट कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है तो यहां वापस हमें उसी पुराने डिबेट की झलक देखने को मिलती है लेकिन वे साथ ही यह भी कहते हैं कि फ्री विल अर्थात माइग्रेंट के स्वतंत्र निर्णय और उसके फोर्स्ड डिसीजन इनके बीच कहीं ना कहीं हमें अपनी व्याख्याओं को अपने नज़रिए को रखना होगा जहाँ की कोई माइग्रेंट न तो पूर्ण रूप से मुक्त होता है और न ही पूर्ण रूप से वह अपने स्थानीय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गुलाम होता है इन दोनों ही ध्रुवों की अंत क्रियाओं के जरिए ही माइग्रेशन की प्रक्रिया को हमें समझना होगा दूसरी बात जिसकी तरफ अर्जन हमारा इशारा करते हैं और जो अहम बात है कि न तो दीपेश चक्रवर्ती और न ही राजनारायण चंद्रावरकर के कामों में हम माइग्रेशन के जेंडर एस्पेक्ट्स से रूबरू होते हैं पिछले लेक्चर्स में मैंने अंत की तरफ जिक्र किया था कि समिता सेन ने स्त्रियों के ऊपर महिला श्रमिकों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर इस तरफ श्रमिक इतिहास के जेंडर पक्ष की तरफ हमारा ध्यान दिलाया लेकिन अर्जन दहान एक उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहते हैं कि जब हम जेंडर पर्सपेक्टिव से माइग्रेशन हिस्ट्री की तरफ जाएं तो वहाँ भी जातिगत और क्षेत्रीयगत क्षेत्रीय विशेषताएं उनका हमें ध्यान रखना होगा किस तरह से कुछ जातियों के लिए कुछ समुदाय समुदायों के लिए उनके घर की महिलाओं का किसी औद्योगिक इकाई में इंडस्ट्री में एक श्रमिक के रूप में काम करना नागवार रहा रहता है उसी तरह दूसरे क्षेत्र के और अन्य जातियों अन्य समुदाय के लिए ऐसा हो यह जरूरी नहीं है और यह जो क्षेत्रीयगत विशेषताएं हैं इसी कारण हम वे बताते हैं कि किस तरह जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार से जो कलकत्ता में जूट मिल में माइग्रेशन हो रहा था वह बड़े तादाद में पुरुषों का माइग्रेशन हुआ, हुआ करता था जबकि उड़ीसा या आंध्र प्रदेश से परिवार पूरा परिवार माइग्रेट हो रहा है और वहाँ जब परिवार माइग्रेट हो रहा है तो उस परिवार की महिलाएं भी उन्हें भी काम करने में घर से बाहर काम करने में कोई ऐतराज नहीं रहा तो इस तरह से इन तमाम जटिलताओं विविधताओं की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए और यह जो सिलसिला जो जेंडर के संदर्भ में समिता सेन ने शुरू किया उसकी हम आगे उस उसका उसकी कंटिन्यूटी लेकिन अनेक संश्षताओं के साथ हम अर्जन दहान के काम में भी पाते हैं यहाँ एक और बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कि वापस जहां मैंने कहा कि माइग्रेशन का इतिहास दरअसल इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव की मांग करता है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फील्ड वर्क के जरिए हमें अनेक अंतर्दृष्टियाँ दी हैं लेकिन जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं तो बहुत सी बहुत से नए पक्ष जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे सामने माइग्रेशन का उभार कर लाते हैं वह ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण माइग्रेशन के इतिहास में या तो उसी रूप में नहीं आ पाता है या फिर उसके लिए नए साक्ष्यों की तलाश की जरूरत होती है जैसे जो महिलाओं महिला माइग्रेंट श्रमिक की बात करें तो समिता सेन ने भी ऐतिहासिक साक्ष्यों की कठिनाई की तरफ हमारा इशारा किया हमारा ध्यान दिलाया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूरोपीय संदर्भों के तुलना में जहां साक्षरता दर भारत से बहुत भिन्न रहा तो जो जहां श्रमिक वर्ग ने अपने पाँव के निशान छोड़े हैं ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में उनके वॉइस उनके सब्जेक्टिविटीज को हम का रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं यूरोपीय संदर्भों में ऐतिहासिक संदर्भों में लेकिन भारत के संदर्भों में उनके पर्सपेक्टिव से लिखा गया ऐतिहासिक दस्तावेज़ ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना बहुत मुश्किल है तो फील्ड वर्क के ज़रिए बहुत सी स्थापनाओं को सामने लाया जा सकता है लेकिन उन्हीं स्थापनाओं को हम जब इतिहास में ढूंढने जाते हैं तो मुश्किलें पैदा होती हैं और ऐसे में जैसा समिता सेन ने कहा कि हमें क्रिएटिव तरीके से सर, पुराने सरकारी साक्ष्य या फिर मेडिकल डॉक्टर्स के डायरी हो पर्सनल पेपर्स हो उन्हीं ऐसे ही साक्ष्यों के भीतर से जिसे वाल्टर बेंजामिन ने रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन कहा है तो उस आर्काइव को ही अगेंस्ट द ग्रेन पढ़ते हुए नए तरह के सवाल उठाने होंगे और कुछ इस तरह का काम ही हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में साहित्य को लेकर चारू गुप्ता हमारे सामने लाती हैं जहाँ वे दलित श्रमिक दलित महिला श्रमिकों की जो छवि 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बनती बिगड़ती रही हिंदी के संदर्भ में वे बात करती हैं उसकी तरफ वो वे ध्यान दिलाती हैं कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें नए तरह से माइग्रेशन और श्रमिकों के इतिहास को देखना है तो हमें साक्ष्यों को लेकर अधिक जद्दोजहद करनी होगी और पुराने स्रोतों को नए सिरे से पढ़ने की कवायद करनी होगी इसी के साथ एंथ्रोपोलजिस्ट और जो माइग्रेशन के इस जेंडर डिस्कोर्स से एक और सीख जो हमें मिलती है वह यह कि यदि माइग्रेशन का इतिहास हमें घटना है तो महज उसे श्रमिकों के कार्यस्थल की परिधि से बाहर ले जाना होगा और यहाँ हमें उनके परिवार तक उनके घरों तक पहुँचना होगा माइग्रेशन के विमर्श में जो इतिहास इतर विमर्श है चाहे वह वह समाज विज्ञान समाजशास्त्र का हो सोशियोलॉजी का या फिर लिटरेचर का या एंथ्रोपोलॉजी का फेमिनिस्ट डिस्कोर्स जो है वहाँ भी इन सभी इलाकों में हम जो माइग्रेंट श्रमिक की पत्नी जो घर में रह गई हैं जब, जब उसका पति शहर कमाने निकल जाता है तो उस पत्नी की जो छवि है उसके अनुभव उनकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है और उन उस उनकी सब्जेक्टिविटीज़ के जरिए माइग्रेशन के विमर्श को भी समझने की कोशिश विद्वानों ने की है इन्हें कई बार लेफ्ट बिहाइंड वोमेन या वोमेन स्टेड बैक इन द होम ऐसे फ्रेज के साथ हम इस विमर्श में देखते हैं लेकिन फिर से यहाँ मैं यह या, याद दिलाना चाहूँगा कि इस तरह के किरदारों की उपस्थिति इतिहास में माइग्रेशन के इतिहास में बहुत मुश्किल है क्योंकि साक्ष्यों की कमी है एक दूसरी बात जब हम यह कहते हैं कि माइग्रेशन के इतिहास को श्रमिक माइग्रेशन के इतिहास को इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट से उनके वर्क प्लेस से बाहर ले जाने की जरूरत है वहाँ हाल के वर्षों में उस संदर्भ में उस सोच से साहित्यकारों ने भी साहित्य के अध्येताओं ने भी और इतिहास के अध्येताओं ने भी लोक साहित्य की तरफ रुख किया है जैसे भोजपुरी इलाके से कलकत्ता के माइग्रेशन के इतिहास के संदर्भ में यदि बात कहें तो भिखारी ठाकुर के साहित्य के माध्यम से इस इतिहास को नए दृष्टिकोण के साथ देखने की कोशिश की गई है लेकिन यहाँ एक और महत्व अहम बात है कि जब इन सांस्कृतिक पक्षों की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो इतिहास और सांस्कृतिक स्मृति के बीच की जो खाई बहुत पहले से चली आ रही थी वह भी वह विभाजन रेखा भी बहुत झीनी पड़ जाती है और इन लोक नायकों साहित्यकारों के ज़रिए या लोक कथाओं फोक सॉन्ग्स आदि के जरिए माइग्रेशन के इतिहास का एक नया सा अध्याय खुलता जाता है जिसकी तरफ अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है यह एक और महत्वपूर्ण जो इस विमर्श माइग्रेशन के विमर्श हालिया समय में हालिया दशक में जो हुआ है हो रहा है उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा और वह है कि माइग्रेंट जो वर्कफोर्स है शहर में उसके उसकी एक तो उसकी एजेंसी को लेकर बात है वह महज एक पैसिव इकाई नहीं है जिसकी बात जिसकी तरफ अर्जुन देहान ने भी इशारा किया जब वे कहते हैं कि माइग्रेशन के इतिहास को माइग्रेंट पर्सपेक्टिव के नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एजेंसी की बात है यह जो माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटी है उसमें हम उसकी सब्जेक्टिविटीज़ को उसके एजेंसीज को हम कैसे उसकी पड़ताल करें खासकर इतिहास में जाकर वह किस तरह से अपने गांव के अपने परिवार के साथ नाता रिश्ता जोड़े रखता है एक पांव शहर में एक पांव गांव में या फिर कह सकते हैं कि दूसरी तरफ की हमेशा से उसके लिए जो घर की परिघटना होती है वह बिखंडित नहीं रहती है वह मल्टीपल हो जाती है अर्थात एक से एक घर उसका शहर में एक घर गांव में तो यह देखने का नजरिया है आप इसे उसके बिलोंगिंगनेस में दरार के रूप में देखें या उसके मल्टीपल बिलोंगिंगनेस की तरफ देखें लेकिन आप जिस तरह से भी देखें कहीं न कहीं उस का जो एजेंसी है उसकी तरफ हमें गौर करने की जरूरत है और जब हम इस एजेंसी की तरफ जाते हैं तो दूसरा जो सवाल अहम रहा है और एक तरह से कहें कि मुंह बाय हमारे सामने उपस्थित हो जाता है वह है आइडेंटिटी का यह जो श्रमिक माइग्रेंट वर्ग है शहर में उसकी क्या पहचान शहरी समुदाय कैसे उसकी पहचान करता है उसे कैसे हे दृष्टि से अब मानना की दृष्टि से देखा जाता है शहर में जैसा कि समिता सेन और अर्जन दहान दोनों ही बताते हैं कि जो महिला माइग्रेंट श्रमिक हैं उन्हें वैश्या के रूप में देखा जाता था बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था और कलकत्ता के संदर्भ में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि 19वीं सदी के अंत के के बाद से इन माइग्रेंट के प्रति जो गंगा के मैदानों से उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से कलकत्ता आए उन्हें चिंता और भय के नज़र से असुरक्षा की नज़र से भी देखा जाने लगा और एक तरह से आप कहें तो यह जो माइग्रेंट फिगर है उसका क्रिमिनल के रूप में उसकी एक अपराधी के रूप में उसकी छवि तैयार होने लगी कलकत्ता के भद्रजनों के बीच तो यह जो एक राजनीति है पहचान की यह इतनी गहरी होती गई कि 1920 के दशक में गुंडा एक्ट पारित हुआ अर्थात माइग्रेंट और गुंडा फिगर के बीच अपराधी फिगर के बीच कहीं ना कहीं एक समीकरण एक स्टीरियोटाइप इमर्ज करने लगा और फिर सांप्रदायिक इतिहास में दंगों के इतिहास में अक्सर सारा दोष इन बाहर से आए हुए माइग्रेंट समुदाय के ऊपर मर दिया जाने लगा तो इस यह जो पहचान की जहाँ माइग्रेंट को एक अन्य के रूप में देखा जाने लगा जहाँ उन्हें उस समुदाय ने कभी स्वीकार नहीं किया शहरी समुदाय ने कभी अपने में आत्मसात नहीं किया यह एक अलग ही अध्याय है श्रमिक इतिहास का जिसकी तरफ भी इतिहासकारों ने ध्यान दिलाया है लेकिन जिस तरफ और भी बहुत काम अभी होना बाकी है तो यहाँ मैं श्रमिक माइग्रेशन के इस अध्याय को विराम देता हूँ लेकिन इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके दूसरे पक्ष और वह है अप्रवासी भारतीय मजदूर वर्ग में उनका जो माइग्रेशन हुआ इमिग्रेशन खासकर प्लांट प्लांटेशन इकोनॉमी के संदर्भ में उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे